पांवटा साहिब में पिछले कुछ महीनों से महिलाओं और युवतियों के साथ आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। पांवटा साहिब से एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 17 जनवरी को लापता हुई 16 साल की स्कूली छात्रा की लाश यमुना नदी में मिली है। 16 साल की नाबालिग का शव शमशान घाट के पास यमुना नदी से संदिग्ध हालत में बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव के शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया है, जिसके बाद परिजनों ने उसे पहचान लिया। मृतक के परिजनों के अनुसार 16 जनवरी को मृतक नाबालिग ट्यूशन पढ़ने घर से निकले थी, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी और बाद में उसका शव मिला, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई थी। तारूवाला से जो गायब थी, उसकी डेड बॉडी आज शमशान घाट के पीछे पानी में जो है तैरती हुई मिली है, और इसमें जो है हमने पोस्टमार्टम के लिए कल 9:30 बजे इसका पोस्टमार्टम होगा, जिसमें डॉक्टर्स की टीम, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी होगी, उसकी टीम द्वारा करवाया जाएगा। और ऑलरेडी हमारी इसमें 363 में FIR दर्ज है। फर्दर जो भी इसमें कार्रवाई नियमानुसार बनेगी वो हम अमल में